नमस्कार, मैं हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। मेरे पास अभी थोड़ी देर पहले मेरे फ़ोन पर एक मैसेज आया है। वो मैसेज जिसके अंदर लिखा हुआ है, एक नया नंबर है 97339 और 25758। इस नंबर से मैसेज आया है और उसमें लिखा हुआ है कि हाय, आई एम माई सेल्फ प्रीति, आई एम वेटिंग फॉर यू, प्लीज़ कॉल। और उसके बाद उसने दूसरे नंबर दिए हैं जो कि है 85974 28263। ये नंबर है। तो पहले मैं कॉल करता हूँ, हालांकि मैं इस कौन प्रीति है इसको मैं नहीं जानता हूँ। शायद इस तरह के मैसेज, फर्जी मैसेज आप तक भी पहुँचे होंगे, लेकिन अब मैं पड़ताल करता हूँ। पहले जिस नंबर से मेरे पास मैसेज आए हैं उस पर मैं फ़ोन लगाता हूँ, देखता हूँ कौन बोलता है, क्या कहता है। यानी कि ये नंबर स्विच ऑफ है और इसमें जो ट्री कॉलर के अंदर, इसके अंदर जो नाम आ रहा है वो रिंग ट्योन कस्टमर के नाम से ये नंबर सेव है। अब चलिए दूसरे नंबर हैं जिसका इसमें प्रीति के नंबर होने का हवाला दिया गया है, उस पर भी हम ट्राई करते हैं कि आखिर कौन है ये प्रीति, क्या मैसेज इसने मेरे पास भेजा है, तो क्या उसकी मंशा है। तो उसको लेकर भी हम पड़ताल करते हैं कौन है ये। फ़ोन कट रहा है, दोबारा फिर ट्राई करते हैं। यानी कि फ़ोन लग नहीं रहा है। इस तरह के मैसेज आप तक भी पहुंचते होंगे, ये एक फ़र्जी मैसेज होते हैं। इनके चक्कर में कई बार लोग जो है वो आ जाते हैं और उसके बाद वो फ़ोन करते हैं और फिर उनके साथ या तो कोई इस तरह की अश्लील बातें करके उसको ब्लैकमेल किया जाता है या फिर कोई और चक्कर में डालने के लिए उनको फ़ोन जो है हम खुद लगाते हैं और उसके बाद में हमें इस तरह से षड्यंत्र में फंसा लेते हैं। तो इस तरह के अगर मैसेज आपके पास भी आते हैं तो आप बिल्कुल इनके प्रति सजग हो जाएं और इस तरह के मैसेज को बिल्कुल इग्नोर कर दें, क्योंकि जो फ्रॉड, ऑनलाइन फ्रॉड जो चल रहा है उसको लेकर जो मैसेज है वो इस तरह के आते हैं। कई बार हो सकता है कि इस तरह के लिंक होते हैं हमारे पास भेज देते हैं कि उसको अगर हम क्लिक करते हैं यानी कि खोलते हैं तो उसके बाद हमारा जो है पूरा फ़ोन का जो डेटा है वो भी ट्रांसफ़र हो सकता है, हैक हो सकता है, तो उससे भी हमें बचना चाहिए। ये आपको न्यूज़ किस तरह की लगी, कितनी इससे आपको सीख मिल रही है, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। कैमरा सहयोगी के साथ मैं पत्रकार हनुमान पुनिया।